हेलो गाइस, वेलकम टू कोड चैंप। मेरा नाम निकिता है और इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉइंटर्स एंड फंक्शन आर्गुमेंट्स। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है स्वैप, नॉर्मल स्वैप फंक्शन, जिसमें पास किया है इंट p, आर्गुमेंट लिया है p और q, और पास क्या किया है, देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन है अपना, जिसमें वैल्यूज लिए a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, पास किया है 10 एंड 20, दैट इज a एंड b। यहाँ से कॉल जाएगा यहाँ ऊपर। अब यहाँ p एंड q का मेमोरी एलोकेशन होगा नया। ओके, तो ये रहे अपने p एंड q के बॉक्सेस। p का सपोज एड्रेस है 100 और q का एड्रेस है 200, तो यहाँ पे वैल्यूज कौन सी आएंगी, 10 एंड 20 लगे हाँ, तो मेन फंक्शन के a एंड b के मेमोरी बॉक्सेस भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा a, जिसका सपोज मान लो 300 है, और b का 400, और यहाँ है 10 और यहाँ है 20। अब देखो यहाँ से कॉल गया ऊपर, तो कॉल जाएगा ऊपर, आएंगे यहाँ। अब p एंड q के पास वैल्यू है 10 एंड 20, तो यहाँ जो स्वैपिंग हो रहा है वो यहाँ के वैल्यूज का होगा। इट मीन्स ये फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद दीज टू वैल्यूज आर स्वैप। ओके, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो चुके। अब बताओ यहां से फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, आए नीचे जहां पे इंस्ट्रक्शन, मतलब जहां से फंक्शन कॉल होता वहां पे हम रिटर्न आ जाएंगे ना। लेकिन यहां आने के बाद देखा प्रिंट करने के लिए ए एंड बी को, तो वैल्यू क्या मिला, 10 एंड 20, क्योंकि जब आप रिटर्न होते हो यहां पे तो ये थे लोकल, तो ये तो चले गए मेमोरी से, बचा क्या ए एंड बी जिनका वैल्यूज है 10 एंड 20, तो प्रिंट क्या होगा 10 एंड 20। सो नो इफेक्ट ऑन ए एंड बी वैल्यूज। ओके, तो हमें क्या चाहिए कि यहां से जो ए बी जा रहे हैं उन्हीं का वैल्यू स्वैप होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए बी सिर्फ पास करने से कुछ काम चलेगा क्या, नहीं। तो अब हमें पास करना पड़ेगा ए एंड बी का एड्रेस। तो सिंपली आपका कॉल चेंज होगा स्वैप, आप कॉल करते टाइम भेजेंगे एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। ओके, यस। अब देखो यहां से भेज रहे हो एड्रेस, तो ऑब्वियसली ऊपर क्या होना चाहिए लेने के लिए, पॉइंटर। तो ये जो है अब पी नॉर्मल नहीं रहेगा, इट विल बी अ पॉइंटर। ये क्यू भी क्या होगा, पॉइंटर। तो वैल्यू जब स्वैप हो रही है, स्टार पी इक्वल टू स्टार क्यू एंड स्टार क्यू इक्वल टू टेम्प। ओके, तो ये हुआ स्वैपिंग। अब देखो मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा। न्यू मेमोरी एलोकेशन होगा, ये रहा पी का बॉक्स और ये रहा अपने क्यू का बॉक्स। पी का एड्रेस है सपोज मान लो 1000, कुछ भी ले सकते हो आप अपने मर्जी से, और क्यू का जो ब्लॉक है उसका एड्रेस है 2000। ओके, अब यहाँ पे एड्रेसेस कौन से स्टोर हुए है, स्टार पी स्टार क्यू, पॉइंटर्स है, तो जाएगा यहां से एड्रेस, तो 300 एंड 400। सो इस ब्लॉक में आएगा 300 और इस ब्लॉक में आएगा 400। सो इनडायरेक्टली इन दिस थ्री इक्वेशंस क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली ये पॉइंट कर रहे ए एंड बी को। सो इन पॉइंटर्स के हेल्प से ये वैल्यू स्वैप होने वाले। ओके, तो जब ये तीन इक्वेशंस हो जाएंगे तो ये वैल्यूज स्वैप हो जाएंगे। अब देखो तीनों इक्वेशंस हो गए, वैल्यू स्वैप हो चुके हैं। अब फंक्शन क्या होगा, रिटर्न होगा जहां से कॉल आया था, मतलब इस इंस्ट्रक्शन पे। लेकिन यहां रिटर्न होने से पहले जो भी मेमोरी, लोकल मेमोरी, सो लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, तो वो चले जाएंगे। सो ये पॉइंटर्स अब चले गए। अब यहां आने के बाद प्रिंट क्या किया हमने, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी वैल्यू क्या है, 20 एंड 10। देखो स्वैप हो चुका है, आउटपुट मिला 20 10, तो वैल्यूज हो गई है स्वैप। तो इस एग्जाम्पल में हमने सीखा कि पॉइंटर्स एंड पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। प्लस ये जो ए एंड बी सिर्फ पास किया था उसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, और ये जब हमने एड्रेस पास किया उसे बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय कोडिंग, कीप कोडिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी pointers and arrays.